हमीरपुर जिले की सैदपुर सीट अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीट महिला आरक्षित है। इस सीट से जनक कुमारी पत्नी हरिचरण फौजी समेत दिग्गजों पर भारी दिख रही हैं। जिला पंचायत सदस्य सैदपुर सीट से सभी 32 गांवों में जनक कुमारी का पूर्ण बहुमत नजर आ रहा है। मतदाताओं के लिए दिल और जुबान पर जनक कुमारी का नाम है। जब हमारे संवाददाता ने गांव-गांव जाकर जनता की राय ली तो देखा कि सभी मतदाताओं की पहली पसंद जनक कुमारी पत्नी हरिचरण फौजी ही दिख रही हैं। लोगों ने बताया कि जनक कुमारी के पति हरिचरण फौजी एक समाज सेवक हैं। वह पूर्व में देश की सेवा कर चुके हैं, अब गांवों में रहकर समाज सेवा करने की मन में ठानी है। बिना किसी पदभार के हरिचरण फौजी ने गरीब लोगों समेत किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन किए तथा समाज सेवा की है। लोगों ने बताया कि फौजी ने गांव के लिए फ्री एम्बुलेंस की सुविधा और किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। यही कारण है कि समाज सेवा से जनक कुमारी पत्नी हरिचरण फौजी मतदाताओं के दिल और दिमाग में है। जनक कुमारी के घोषणा पत्र में भी गरीब लोगों समेत किसानों तथा स्वास्थ्य सेवाओं शिक्षा पहला एजेंडा है। सभी दिग्गज नेताओं की नींद उड़ी नजर आ रही है। एक फौजी सभी नेताओं पर भारी दिख रहा है। देखिए हमारे संवाददाता शिवबालक अनुरागी की ये रिपोर्ट। बसेला ग्राम के कुछ नगरवासी ग्रामवासी बैठे हुए हमारे साथ, हम चर्चा करना चाहते हैं कि चुनावी इस हलचल में क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे होंगी। तो क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा मान सिंह नाम है। अच्छा, क्या आसान करते हैं जिला पंचायत सदस्यों से जो बनेंगे? जिला पंचायत तो ठीक है सब, हमारे तो लाइट नहीं आ रही, पानी की बहुत समस्या है पीने की। अच्छा, हाँ तो अगर आवाज सब ऐसे ही है सब, सब ऐसे ही चल रहा, कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा। अच्छा, जो वोट मांगने आते हैं नेता लोग तो क्या करेंगे? करा हो जाएगा, आशा दे जाती है आश्वासन। अच्छा, किस पे भरोसा है, किस पे प्यासे से आप? हम भरोसा तो फौजी पे है। अच्छा, फौजी पे भरोसा देख रहे हैं? फौजी आदमी काम अच्छा कर रहा। अच्छा, फौजी खुद लड़ रहा है, घर से लड़ रहे हैं? वही, उसकी पत्नी लड़ रही। अच्छा, तो फौजी से भरोसा आया? हाँ, फौजी से भरोसा। बताएं दादाजी क्या काम चाहते हैं आप? यही चाहते सर, गाँव आदमी गरीब आदमियों को होना चाहिए जी, गरीब आदमियों को आवास मिलना चाहिए। अच्छा, और पानी की समस्या है, टंकी की, हैंडपंप की, लाइट की समस्या है। दादा कैसा माहौल है आपके यहाँ चुनाव में, कैसी हलचल है के, मतलब प्रत्याशी आते क्या क्या कह के जाते? अच्छा, आपको क्या लगता है जो वादे हैं वो कर पाएंगे? जो वादे करते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पचमौड़ी से जी। तो चुनाव को लेकर किसको पसंद करते हैं आप? हरिचरण फौजी। अच्छा, और? बहुत बढ़िया आदमी है, और जैसे लॉकडाउन में है उन लोगों ने बहुत परिश्रम किया, मास्क बांटे और हर जनता का सुनते हैं। और क्या समस्या है आपके गांव में और आगे क्या उम्मीद है लोग बागों से? लोग बाग वो जैसे समस्या ये है कि मान लो करके अच्छा होना चाहिए, गुंडागर्दी ना होना चाहिए जी। हमीरपुर जिले से सैदपुर सीट से जिला पंचायत सदस्य का जो उम्मीदवार है और उनमें क्या कहना है किसानों का, गांव के लोगों का? यहां पे मेरे साथ किसान हैं जो भूसा लेकर अपने गांव जा रहे थे बेघा, तो मैं जानना चाहता हूं क्या नाम है आपका? रामपाल। आप कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? हम तो प्रत्याशी फौजी के चुनू चाहत। अच्छा, उसमें क्या खासियत है ऐसी फौजियों में? खासियत जो है बड़ी जला आदमी है, महाजन आदमी है। अच्छा, वही के जिताबू चाहत। खासियत से चाहना खासियत।